हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखेंगे कढ़ाई और उसमें एक छोटा सा चम्मच घी डालेंगे, देसी घी। तो मैं नारियल का बुरादा इसमें भूनूंगी। तो नारियल का बुरादे में अपना एक नेचुरल ऑयल होता है, इसलिए इसके लिए घी आपको बहुत कम डालना है, नाम मात्र के लिए घी डालें। और लो फ्लेम पर इस बुरादे को 2 मिनट के लिए भूनें। तो लगातार चलाते आपको लो फ्लेम पर भूनना है इसे। अगर फ्लेम मीडियम या हाई होगी तो बर्न हो सकता है। 2 मिनट में लो फ्लेम पर भूनते भूनते आपको बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। इसका मतलब है कि भून जाएगा, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आएगी और 2 मिनट हो जाएंगे, तब आप इसमें ऐड करें 1/4 हिस्सा दूध। तो जितना आपने नारियल का बुरादा लिया है उसका 1/4 कप हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध ज्यादा ना डालें, बाद में दिक्कत आएगी नहीं तो आपको। दूध डालकर लगातार चलाएं इसे लो फ्लेम पर। दूध इसलिए डाला जाता है, दूध से क्रीमी टेक्सचर आएगा लड्डू का, बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू बनेंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे लड्डू आपको। तो लगातार चलाएं इसे, 2 मिनट में आप देखेंगे कि आप ये जो दूध है इसका ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मीठा अपने हिसाब से डालिएगा आप, जितना आप खाते हैं। रेशो की अगर मैं बात करूँ तो जितना हमने नारियल का बुरादा लिया है उसका 1/4 हिस्सा इसमें चीनी जाएगा। मैंने 1 कप लिया है तो 1/4 कप इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं। जैसे दूध ड्राई होगा तभी आप उसमें चीनी ऐड करें। तो मैं यहाँ पर चीनी डाल दूंगी इसमें भी। चीनी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करें और फ्लेम लो रखें। चीनी डालने के बाद क्या होगा, आपका जो नारियल का बुरादा है, ये जो मिक्सचर है ना, ये एकदम रनी जैसा हो जाएगा, बिल्कुल पतला पानी जैसा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमें इसको गाढ़ा होने तक पकाना है, जब तक कि ये ड्राई फॉर्म में ना आ जाए। तो इसको लगातार चलाते रहें आप लो फ्लेम पर। आप चाहे तो एक तरीका और फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमने नारियल भून लिया था दूध में, तो दूध में जब नारियल भून जाता है तो फ्लेम बंद कर दे और उसको ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद आप उसमें बूरा मिलाकर भी लड्डू बना सकते हैं, तब भी बहुत बढ़िया लड्डू बनते हैं। दूसरा प्रोसीजर मैं आपको दिखा ही रही हूँ, इस तरीके से भी आप लड्डू बना सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस वही है जो हलवाई फॉलो करते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखाऊंगी, लेकिन आज मैं चीनी वाला प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से भी लड्डू बहुत बढ़िया बनते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे मज़े की बात यह है इस स्वीट को बनाने में कि इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इंस्टेंट रेसिपी आप इसे बोल सकते हैं, फटाफट बन जाएगा, आपका टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा और टेस्ट में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, एकदम हलवाई जैसा फ्लेवर आएगा। आप एक बार थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बनाकर देखना, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर चीनी भी हमारी ऑलमोस्ट घुल गई है, अभी थोड़ी सी चीनी के दाने मुझे दिख रहे हैं। तो जब तक वो अच्छे से घुल नहीं जाते तब तक हम इसे भून लेंगे लो फ्लेम पर। तो चीनी अच्छे से घुल गई है और बिल्कुल ड्राई हो गया है हमारा नारियल का बुरादा, भी एकदम परफेक्ट लग रहा है। इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे कि इसका स्वाद बहुत अमेजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटे वाली कटोरी है, ये लगभग जितना चीनी ऐड किया था ना उसका 1/4 हिस्सा होगा चीनी का। तो वो हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से इसका स्वाद भी चेंज होगा, प्लस बिल्कुल हलवाई जैसा बनकर तैयार होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये देखिए मिल्क पाउडर डालने के बाद परफेक्ट मिक्सचर हो गया हमारा, एकदम बढ़िया, बिल्कुल ड्राई है, लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है ये। तो इसी स्टेज पर हम गैस कर देंगे बंद और इस मिश्रण को ठंडा होने देंगे। ये लड्डू बिल्कुल हलवाई स्टाइल बने हैं, हमने इसमें जो ड्राई मिल्क पाउडर डाला है इससे इसका फ्लेवर ऐसा आएगा जैसे कि इसमें आपने मावा ऐड किया हो। तो एक बार इस प्रोसेस के थ्रू ये लड्डू ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं, फिर उसके बाद इसे लड्डू बनाकर आपको दिखाती हूँ कि लड्डू कैसे बनेंगे। हमारा नारियल का मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो गया है, हल्का सा गुनगुना जब ये हो तब आपको लड्डू बनाने हैं। और ये है ड्राई कोकोनट, तो कोकोनट पाउडर है ये जो मार्केट में मिलता है, जिसके हमने लड्डू बनाए हैं। तो थोड़ा सा ये साइड में ले लेंगे और उसके बाद अच्छे से हाथ साफ करेंगे और फिर लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अभी जैसे लड्डू बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही, तो हल्का सा गुनगुना जब ही हो उसी टाइम पर लड्डू बनाने हैं, उससे क्या हो शेप अच्छी आएगी। तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण ले लेंगे और देखिए मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाला था और देखो लड्डू कितना बढ़िया बन रहा है, रनी नहीं है। चीनी जब ज़्यादा डाल देते हैं या दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो वो बहने लगता है, फिर आपको उसको मिक्स करने में या फिर उसको इस तरह से असेंबल करने में दिक्कत आएगी। इसलिए शुरू में थोड़ा सा रेशियो का ध्यान रखें चीनी का और दूध का, तो फिर लड्डू बिल्कुल भी रनी नहीं बनेगा और बिल्कुल मार्केट जैसा। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से दबाते हुए लड्डू बना लेंगे। देखिए कितना चिकना है, क्योंकि इसमें अपना भी नेचुरल ऑयल होता है, प्लस हमने थोड़ा सा घी डाला था तब भी कितनी चिकनाहट इसमें आ रही है, इसलिए मैंने कहा था हल्का ही घी डालना। तो अब इसका लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप अपनी पसंद से बड़ा छोटा जैसा चाहे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको दबा दें अच्छे से, और दबाते हुए जैसे शेप आप चाहे, कुछ लोग सिलेंड्रिकल बनाते हैं, कुछ लोग राउंड बनाना पसंद करते हैं लड्डू, तो गोली अच्छे लगते हैं, तो मैं गोल गोल लड्डू बना के आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे लड्डू आप बना ले पहले इस तरीके से, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे बना लेंगे सारे लड्डू।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बना लिए, परफेक्ट शेप आई है। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए हैं, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं तो मेज़रमेंट उसी हिसाब से लें। तो मेरे लड्डू तो 6 से 8 ही बने हैं, तो ये 6 हैं, थोड़ा सा मिश्रण बचा है अभी। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है आपको। जब आप लड्डू बना रहे हैं तो उसकी जब शेप आ जाती है तो उसको इस तरीके से आप जब करेंगे तो परफेक्ट शेप ले लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम अमेजिंग शेप आई है इसकी। उसके बाद इसको ड्राई कोकोनट में डालेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा इसको हिला देंगे। इससे क्या होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा आपका लड्डू बनकर तैयार हो। मैंने सारे लड्डू डाल दिए हैं और उनको इस तरीके से शेक कर देंगे एक बार, तो कोट हो जाएगा अच्छे से आपका नारियल का बुरादा और दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में तो इनका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। तो देखिए कोटिंग अच्छे से हो गई है, तो मैं आपको अभी एक लड्डू तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने बढ़िया बने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे इंस्टेंट नारियल के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा है, मुश्किल से 8 से 9 मिनट में लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मकर संक्रांति पे आप ये लड्डू बना सकते हैं। तो मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया बने हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं लड्डू, ये देखिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल लड्डू बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही जूसी भी हैं। तो एक बार आप ये लड्डू बनाइए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं मैंने, तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना।